हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज में। नेटफ्लिक्स की क्राइम सीरीज डामर मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी दुनिया भर में छाई हुई है। अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक जेफरी डामर की जिंदगी पर बनी सीरीज को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। सीरीज में जेफरी डामर की जिंदगी को दिखाया गया है। जेफरी डामर ने 1978 से 1991 तक के समय में 17 लड़कियों की हत्या की थी। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ को मारने के बाद उसने उनका मांस भी खाया था। आखिर क्यों डामर नरभक्षी बना था और अपने विक्टिम्स का मांस खाता था, इस बारे में उसने खुद एक पत्रकार को बताया था। अमेरिका की एक पत्रकार ने एक बार जेफरी डामर का इंटरव्यू लिया था। नैसी ग्लास नाम की पत्रकार ने 1993 में अपने चैनल CNN के लिए डामर से बातचीत की थी। अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनका डामर से बातचीत का एक्सपीरियंस कितना डरावना था। साथ ही उन्होंने बताया कि क्यों डामर अपने विक्टिम्स को खाना चाहता था। पत्रकार नैसी ग्लास के मुताबिक उसने कहा था कि उसने उस लड़की को खाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो उन्हें अपने आप का हिस्सा बनाना चाहता था। वह बेहद निराश था, बेहद अकेला था और अपने गे होने से बेहद शर्मिंदा भी था। उन्होंने आगे कहा कि डामर को बचपन से ही बॉन्डिंग इशू थे। ऐसे में वो मानता था कि अगर वो अपने विक्टिम को खा लेगा तो वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। मिस ग्लास ने बताया कि उनके इंटरव्यू के दौरान जेफरी डामर काफी नॉर्मल था। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे डरावनी बात ये थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, यही अजीब था। आप सुन सकते हैं कि बहुत सोच समझ कर मुझसे बात कर रहा है लेकिन वो साइकोपैथ है। तो दोस्तों, क्या आपने अभी तक डामर सीरीज देखी? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वो कैसी लगी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल देख न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।